और तो गुरु फाइनली आप जा करके जो है हमें बुलावा आ गए, हम जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है ना, बांके बिहारी के पास। तो भाई साहब बने रहो, आज हम तीनों जो है भाई साहब की तरफ दोस्त है की पहली बार दिल्ली से बाहर कहीं घूमने भी जा रहे हैं, एंड साथ में वो साथ में एंड बहुत मजा आने वाला भाई साहब, बने रहो। ये है छपरी नंबर 1, छपरी नंबर 2, छपरी नंबर 3। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, और मेरे साथ ही दोनों 1 2, ठीक है ना, हम लोग पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं सामने, रेलवे स्टेशन है, देख लो। और गुरु 80 रुपये का टिकट है नई दिल्ली से मथुरा जंक्शन के लिए, और हम यहाँ से जो है निकल चुके हैं, ये फरीदाबाद रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है मतलब कि, ठीक है। और अब हमें तकरीबन यहाँ से 3 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है, अगर सफ़र में कोई रुकावट नहीं रही तो। और बाहर जो है झमाझम बारिश हो रही है और बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है, बोले तो बहुत ही रोमांटिक मौसम हो रहा है, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है, पर ये मौसम क्या है बहुत ही ज़्यादा मतलब मन को मोहने वाला है। तो मैं इस दृश्य को बाहर की ओर देख रहा हूँ, हालांकि बाहर अंधेरा है, दिन होता तो अजब सा मतलब कि नज़ारा होता, लेकिन रात में इसको इंजॉय करते हैं। तो गुरु ट्रेन का इंजन हो गया ख़राब, और इस वजह से ट्रेन को जो है वापस लाया गया है इस कहने में, जो भी होटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर लाया गया है, मतलब 1 किलोमीटर ट्रेन आगे चली गई थी, फिर इसका जो है सो इंजन ख़राब हो गया था, देन उसके बाद जो है इसको यहाँ पर लाया खड़ा किया गया है, और अब इसका जो है इंजन चेंज होगा। और थैंक यू फॉर द फ्लैश लाइट, मतलब लाइट की कमी थी तो भाई ने पूरी कर दी, ठीक है ना, और थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो भाई इसी बात पर, ठीक है ना। और अभी हम थोड़ा 5 मिनट आप वेस्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म उतर गए हम लोग स्टेशन पर, कुछ खा पी लें, भूख बहुत लग रही है, तो सारा रात खाने को नहीं दे रहा है, खाने का बैग उसने रख लिया है, वो बोल रहा है हम उतर के वहीं पे धर्मशाला लेके होटल लेकर के फिर खाना खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे। और भाई हमें मुझे लग रहा है कि हमें जो है मथुरा पहुंचने में कम से कम 9:30-10 बजे जाने, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब ट्रेन रुकेगी अभी काफ़ी देर तक, इंजन चेंज होना है, और भूख बहुत तेज लगी है, मैं समझता हूँ। तो क्या तो गुरु हम लगभग जो है मथुरा जो है पहुँच चुके हैं, और वो मथुरा से पहले का जो नज़ारा देख लो आप, थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा आपको, लेकिन लिटरली काफ़ी मतलब अच्छा लगा देखने में मेरी आंखों से। और यहाँ पहुँचते ही मुझे भीड़ का सामना करना पड़ा, मैं ट्रेन से जो उतर भी नहीं पाते, फिर भी हम किसी तरह से उतरे और आगे की ओर बढ़े। गुरु ये हम चल पड़े हैं वृंदावन की ओर, और आपसे जब आप यहाँ पहली बार आएंगे तो आपसे 250-300 रुपये या हो सकता है उससे ज़्यादा भी चार्ज किया जा सके, तो संभल कर रहिएगा, 30 रुपये सवारी है, इससे 1 रुपये भी ज़्यादा मत दीजिएगा अगर आपको वृंदावन जाना है तो, ठीक है। बाकी बने रहिए वीडियो में, आगे कर चलते हैं, मजे करते हैं। तो गुरु हम पहुंच चुके हैं मथुरा और जा रहे हैं वृंदावन, मतलब वृंदावन ही पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हमें जाना है इस्कॉन मंदिर की और इस्कॉन टेम्पल की, और वहाँ पर हम धर्मशाला लेंगे एंड ये देखेंगे, अगर धर्मशाला नहीं मिलता तो हमारा भाई जो टेंट लेकर के आया हुआ है, टेंट की शुरुआत इसका एग्जीक्यूशन हम यहीं से करेंगे वृंदावन से ही। और ये भाई साहब देख लो हाईवे है, मतलब फ्लाईओवर वाला हाईवे है ये, ठीक है। यहाँ से हमें कम से कम 2 किलोमीटर चल के जाना है अंदर इस्कॉन टेम्पल के पास, और वो रहे मेरे दो छपरी दोस्त आगे जाते हुए, देख सकते हो बैग पीछे ज़्यादा भारी नहीं है, पर 2 बोतलें हैं, ओह शिट, हमारे तो 2 बोतलें हैं, दोनों हैं और खाली नहीं किए मैंने इनको भी, मतलब खाली है दोनों, अभी आगे जाके भरने का है, अगर होटल मिला तो होटल, नहीं तो फिर गुरु देख लेंगे धर्मशाला, और अंतिम उपाय है अपना कैंप यानी कि टेंट। तो चलो चलते चलते बातें करते हैं थोड़ी सी, और सामने का नया देखो कितना, मतलब भाई साहब योगी जी ने पूरे एरिया को खास चमका रखा है, देख सकते हो। तो गुरु सुबह हो चुकी है और बहुत लेट उठे हम, सुबह 4:30 बजे उठना था अपने को और निकलना था, लेकिन नहीं निकल पाए इस्कॉन टेम्पल के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और क्या करें आलस ने मार दिया, और फिर यहाँ पर भी जो है तुम्हारा भाई लेट हो चुका है, क्योंकि हम निकल चुके हैं रेडी करके और चल रहे हैं वृंदावन में, ठीक है। और अभी आगे जाने का है, बहुत सारे टेम्पल घूमने के हैं, उसके बाद देखते हैं अगर दर्शन का मौका मिला, जैसे मैंने वहाँ बंदर बहुत सारे हैं, सामान खेल लेते हैं, सर्विसिंग फ़ोन वगैरह जो भी हाथ में हो कहीं हो जैसे खेल लेते हैं, तुम्हारा भाई उसको जो पैक कर देगा, और कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो बनाऊँगा अगर मौका मिला तो, अगर नहीं मिला तो फिर समझ सकते हो कि मौका नहीं मिलेगा, तो समझ जाना मौका नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा अगर बंदर आपसे नहीं हुआ तो वीडियो बनाऊँगा, और बाकी वीडियो बने रहो और मजे लेते रहो। कैंपिंग है वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें होटल मिल गया था 350 रुपये में, और सारी बहुत इसमें होटल दिखा नहीं पाया रात की मस्ती की वजह से, एंड बाद में जाया अभी थोड़ा चाय पीना है, और बैग में पूरी वगैरह है तो वो भी देख लेंगे, तो रेडी कर देंगे, ओके। तो ये है भाई साहब चौराहा,
इधर रास्ते जाता है प्रेम मंदिर की और ये रास्ते जाता है पता नहीं कहाँ, चलते हैं आगे देखते हैं कहाँ की ओर जाता है रास्ता। तो गुरु ये है राधा रमन मंदिर, ठीक है। और बाकी बारे में बंदरों द्वारा मैं चश्मा चश्मा जाने के बाद जो मेरा मन में बड़ा बहुत ज़्यादा टूट चुका है, मैं बहुत ज़्यादा खौफ में आ चुका हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन कहीं नहीं निकाला है सिवाय राधा रमन मंदिर के। आप देख सकते हो कि राधा रमन ये है निधिवन जाने का, सकते इन्होंने जाली से घेर दिया है। और देखो ये पेड़ जो है छोटे छोटे पेड़ यहाँ पर देख सकते हो आप, तो ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ जो है रातों को गोपिया या सखिया बन जाती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पुरानी मान्यता है, इसीलिए जो है 6 बजे के बाद यहाँ प्रवेश करना या यहाँ पे आना क्या है मना है, ठीक है। और इन पेड़ का जो साइज है वो तो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। एक मनुष्य के हिसाब से मतलब जितना जो है एक मानव की हाइट होती है, उसकी ऊँचाई होती है, बस उतनी ही इसकी ऊँचाई है पेड़ों की। देख सकते हो आप नॉर्मली इन पेड़ों को, ये छोटे छोटे पेड़ भी है। यहाँ की मिट्टी भी क्या है पावन है, देख सकते हो आप यहाँ की मिट्टी जो है लोग ले जा रहे हैं अपने घरों में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रात को ये पौधे पेड़ पत्तियाँ जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं इसे भी रास्ते लड़ाई करते हैं। और आपको अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं आपको भीड़ साथ दिखाने की कहूँगी, फिर देखो तो गुरु यहाँ पर चल रहा है नाच गाना है, मस्त सब मगन है डांस कर रहे हैं। और इधर तुम्हारा भाई देखो मैं चलते गुरु मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा मस्त मलंग वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है मस्त मलंग होकर हम डांस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये बंदर जा रहे थे अंदर आ चुके थे और देखिए लोगों को किस तरह से परेशान करते थे, उन्हें कैसे लेते। और यहाँ पर सभी लोग मस्त मगन हैं, हम भी हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, फिलहाल आज के लिए अलविदा। देख सकते हो किस प्रकार से लोग यहाँ पे आकर झूम रहे हैं, आप भी झूमिए, वीडियो को लाइक कीजिए।